सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, सबसे पहले इस चीज को आप जानिए। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। और ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसको कहा जाता है ऑफिस पैकेज, या ऑफिस पैकेज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब इसको ऑफिस पैकेज के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये ऑफिस के समस्त कार्यों को कर सकता है, इस कारण से इसको ऑफिस पैकेज के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंतर्गत कई प्रकार के प्रोग्राम पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस आउटलुक हो गया। तो ये जो आपके यहां पर प्रोग्राम है इनका यूज कर हम अपने ऑफिस के अनेक प्रकार के, जैसे हमें वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करना है, जैसे हमें मान लीजिए लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, या रिज्यूम बनाना है, या कुछ भी लिखने वाला कार्य करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इस एमएस ऑफिस के प्रोग्राम एमएस वर्ड को। और एमएस वर्ड जो होता है इसके अंतर्गत सात प्रकार के टैब पाए जाते हैं और सातों प्रकार के टैब के अंतर्गत बहुत प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं। और इन टूल्स का यूज कर हम एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें इतने ऑप्शन होते हैं कि उसको आप किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। एक पेज से लेकर आप लाखों पेज तक आसानी से लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य आपका एमएस वर्ड करता है। उसके बाद में इसी एमएस ऑफिस का अगला पार्ट आपका है, अगला प्रोग्राम है एमएस एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये आपके पूरे कार्य को कैसे करता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कितने सारे एम्प्लॉई हैं, उनका आपको डाटा बनाकर रखना है, तो आप इस एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। इसमें आप अपना डाटा बना लेंगे, एम्प्लॉई का नाम लिख लेंगे, उनको कब सैलरी दिया गया कब नहीं दिया गया, इन सब सारी चीजों का लेखा जोखा आप इस एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। या फिर आपको प्रेजेंटी अब्सेंटी लगाना है तो भी आप यहां पर कर सकते हैं, मार्कशीट बनाना है तो भी आप इस एमएस एक्सेल का यूज कर सकते हैं। इस एमएस एक्सेल का यूज कर हम बिलिंग का कार्य भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो आपका एमएस एक्सेल है ये आपके पूरे ऑफिस का अकाउंटिंग संभाल लेगा। उसके बाद में आपका आपका अगला जाता है एमएस पावर पॉइंट। अब एमएस पावर पॉइंट मान लीजिए कि आप ऑफिस में कार्य करते हैं और आपको अपने बड़े अधिकारी को प्रेजेंटेशन बनाकर, किसी प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन बनाकर उसको दिखाना है कि ऐसे ऐसे ये कार्य होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एमएस पावर पॉइंट का यूज करना होगा, जो कि एमएस ऑफिस का एक प्रोग्राम है। और इसका यूज कर आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसका आप यहां पर क्या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा यह पूरा कार्य होगा। इसको बहुत ही बेहतर ढंग से उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, उसमें बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं, म्यूजिक डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंतर्गत। तो यहां पर इस एमएस पावर पॉइंट का यूज कर आप एक बहुत ही बेहतर ढंग का जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको बना सकते हैं और आप अपने बड़े अधिकारी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा बनेगा, हर एक चीज आपका वो प्रेजेंट कर दिखाएगा। तो इस तरीके से कहा गया कि ये जो आपका एमएस ऑफिस है ये एक तरीके का ऑफिस पैकेज है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस एमएस ऑफिस का, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो एमएस वर्ड पर आएगा। अब एमएस वर्ल्ड के पहले टैब यानी होम टैब के बारे में अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बाकी मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।